सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। खरगोन हिंसा, चेहरे पर नकाब, हाथ में लाठी डंडे और तलवार, शिवम के भाई से जानिए उस दिन हुआ क्या था। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जख्म अब तक नहीं भरे। हिंसा में गंभीर रूप से घायल शिवम ठीक हो रहा, लेकिन बोलने की स्थिति में अब भी नहीं है। एक निजी चैनल से बात करते हुए शिवम के भाई ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है, स्थिति में सुधार हो रहा है। बता दें कि शिवम का इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिवम के भाई ने बताया कि रामनवमी के दिन वह मंदिर में पूजा करने गया था। पूजा कर जब वह लौट रहा था तो हिंसा का शिकार हो गया। उसने बताया कि घायल शिवम को सबसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। 17 अप्रैल को बहन की शादी शिवम के भाई ने बताया कि 17 अप्रैल को बहन की शादी होनी थी, लेकिन शिवम की हालत को देखते हुए 2 महीने के लिए विवाह टाल दिया गया है। बता दें कि शिवम मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। अस्पताल में भर्ती शिवम की हालत देखकर मामा मामी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन, शिवम के भाई ने बताया कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे अचानक होने वाली घटना नहीं कह सकते। उपद्रवी पूरी तैयारी में दिख रहे थे। उन लोगों ने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। उनके हाथों में लाठी डंडे, तलवार, पत्थर सब कुछ थे। वे लोग आने जाने वाले लोगों को टारगेट कर रहे थे, घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे। शिवम के भाई ने बताया कि उस दिन उपद्रवियों ने उसकी बहन पर भी हमला बोला था। इस हमले में उसके सिर से खून भी निकला था। हालांकि वह प्राथमिक इलाज के बाद ठीक हो गई, लेकिन शिवम की हालत आज भी खराब है। आप लोग दुआ कीजिए कि वह जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ जाए। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।